three times under state universities, sir. Thank you very much. Thank you. Sri Maluk Nagar ji. सब बहुत बहुत धन्यवाद. आपने रिसर्च फाउंडेशन बिल पे बोलने का मौका दिया. हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग राजेंद्र अग्रवाल जी और उनके साथी मेज थपथपा रहे हैं. उनका मतलब है कि रिसर्च चाहे किसी भी चीज पे हो, और पिछले दिनों गन्ने पे जो रिसर्च की, गन्ने की जो हाइट बढ़ी नई उसकी पौधों पर, और उसमें जो सॉलिड गन्ना पैदा हुआ उससे जो चीनी ज्यादा पैदा हुई पूरे देश में, इतनी ज्यादा पैदा हुई कि विदेश के पैमाने पे ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया सारे लोगों में उथल पुथल मची और व्यावहारिक तौर पे विरोध किया, कानूनी तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट में गए और वो कोर्ट में केस जीते और हम कोर्ट में केस हारे और इंटरनेशनल कोर्ट में. और हारने के बाद भी हार में हमने जीत ढूंढी और एथेनॉल पे रिसर्च करके जो पूरे देश में एथेनॉल की पैदावार की है उससे पूरी की पूरी कंजप्शन हुई और देश ने एक अच्छी तरफ को शुरुआत की है. ये इसीलिए मेज थपथपा रहे थे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथी, और ये किसानों के लिए अच्छी बात है. पर मैं इसमें कहूंगा कि जहां देश को इतना फायदा हो रहा है और इतनी इकोनॉमी में मजबूती आई है इस चीज से, तो किसानों को भी कुछ ना कुछ सुविधा ऐसी जरूर दी जाए जो किसानों को लगे कि हम देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में, और जो मोदी जी का सपना है चौथी से पांचवी फ्लक्चुएट करती हुई आर्थिक जो स्थिति है वो तीसरे नंबर की तरफ चले या $5 ट्रिलियन की तरफ को चले, एक तो मैं ये मांग करता हूं. और दूसरा, जो आज की तारीख में पूरे देश में रिसर्च हर चीज पे होनी चाहिए, रिसर्च के लिए बजट बढ़े, और खास करके जो सहारनपुर लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा और मेरठ लोकसभा, बागपत लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और ये बड़ा सारी लोकसभाओं में जहां गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है, और जो गन्ने का जो किसानों को आय डबल हो, डबल की बजाय तीन गुना कैसे हो, मेरठ में ऐसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए. एक बात और कह रहा हूं साहब, बस बड़ी मजेदार बात, क्योंकि ये माहौल ऐसा बनाते हैं हमारे जो सामने बैठे हैं सरकार के या बीजेपी के साथी, कांग्रेस वालों का तो पत्ता साफ कर दिया, एक भी नहीं, सब भागे हुए हैं, खाली मैदान पड़ा, जो चाहे करते रहिए. एक बात और कहना चाह रहा हूं, जो हमारे साथी अभी जगदम्बिका पाल जी, ध्यान दें जरा, जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं 80 की 80 आएंगी, 13.5% वोट हमारा लट सा खड़ा है, आपके साथ मिल गया तो 80 यहां भी और 50 सीट बाहर भी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सब में कहीं हमारे 9%, 7%, 4%, 2.5%, 3% वोट हैं. और अगर तुमने नजदीक को ना लगाए दूसरी तरफ चले गए तो यूपी में ही 60 सीट दूसरी और 50 सीट बाहर कम हो जाएंगी, पहले दिन ही बढ़िया लड़ाई हो जाएगी. लेकिन इसमें कुमारी बहन मायावती कह चुकी है कि चारों पहले तो अलग लड़ेंगे या चारों प्रदेशों के बाद समझौता करेंगे. 80 की अगर बात कर रही है, धन्यवाद, ठीक ठाक बात कर लो, बहुत धन्यवाद. पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुसंधान क्षेत्र, अनुसंधान केंद्र की मैं मांग करता हूं, जिससे किसानों पे और बाकी इतना ज्यादा रिसर्च हो कि उनकी आय दोगुनी की बजाय तीन गुनी हो जाए. धन्यवाद. श्री सिमरन सिमरनजीत सिंह मान जी. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर. आई वांट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट वी मस्ट